इसने बोला ए बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ दे रखी आपको 600 नैनोमीटर, यानी कि इसको आप कन्वर्ट कर लो, लैम्डा इक्वल टू दे रखा है 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 × 10⁻¹⁹ मीटर, ये तो लैम्डा क्या। सोर्स डिस्टिंक्ट सोर्स फॉल ऑन ए सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड, यानी कि आपको ए की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 10⁻³ मीटर। दूसरा आपको दे रखा है दोनों कार्डबोर्ड्स के बीच का जो गैप दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है आपको 2 मीटर, ठीक है। यानी कि इसमें एक ही सिंगल सोर्स ऑफ स्लिट, मतलब यानी कि डिफ्रेक्शन की बात कर रहा है, और इसकी जो ए की वैल्यू आपको दे रखी है इन दोनों के बीच की, डी कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है, इसमें ऐसे क्या बनता है, सेंटर ब्राइट बनता है। इसके यहाँ पे फर्स्ट डार्क होता है, नीचे भी फर्स्ट डार्क होता है। इसने पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट, इधर भी फर्स्ट डार्क है, मतलब सेंट्रल ब्राइट की विड्थ पूछी गई है। सिंपल क्वेश्चन ये है, सेंट्रल ब्राइट के दोनों साइड फर्स्ट फर्स्ट डार्क बनता है, तो उनके बीच का गैप क्या है, यानी कि 2λd/a की वैल्यू पूछी आपसे। समझ आ गया, सेंटर ऑफ लाइट की विड्थ पूछी गई है क्वेश्चन में। एनी डाउट? तो यानी कि जो डब्ल्यू आएगा वो क्या होता है, 2λd/a। तो यानी कि इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे डब्ल्यू इक्वल टू 2 × λ की वैल्यू 600 × 10⁻¹⁹ इंटू कैपिटल डी की 2 / 10⁻³। इसको कट करोगे 10⁻⁶, कट कर दोगे तो 10⁻⁴, ये आ जाएगा 4 × 6 = 24, 24 × 10⁻⁴, यानी कि इसको लिख सकते हो 2.4 × 10⁻³, यानी कि 2.4 मिलीमीटर। डी ऑप्शन आ जाएगा। आगे समझ,